प्रकाश जी, हम यही जानना चाहते हैं कि इस पैमाने को लेकर बुनियादी दिक्कत आपको क्या है? क्या इसलिए दिक्कत है कि हिंदुस्तान में गरीबी का आंकड़ा कम हो गया है, या जब आप केंद्र के स्तर पर इस पैमाने की आलोचना कर रहे हैं तो क्या आप इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि इसी पैमाने से आपके शासित राज्यों में भी गरीबी के आंकड़ों में कमी आई है, चाहे उसका प्रतिशत आनुपातिक रूप से अन्य राज्यों की तुलना में जो भी रहा हो, लेकिन व्यापक रूप से कमी आई है? प्रकाश जी, पहले तो बात है कि ये कोई बीजेपी ने विरोध किया और बाकी सबने प्रशंसा किया, ऐसा विषय नहीं है जी। खुद कांग्रेस के सभी नेताओं ने किनारा किया, योजना आयोग ने भी किनारा किया इन आंकड़ों से, और अब तो ये कहने लगे कि ये कोई गरीबी का हम नहीं मान रहे, हम तो ज्यादा लोगों को फूड सिक्योरिटी देंगे, ये करेंगे। तो ये गरीबी की रेखा की किसी के गले नहीं उतरा, क्योंकि एक बड़ा फैक्टर हो गया 2004 और 2013 के बीच में फर्क ये पड़ा कि पिछले 9 साल लगातार जिस कदर महंगाई खासकर आम जरूरत की चीजों की और खाद्य वस्तुओं की हर साल 10% से ज्यादा बढ़ रही है, और उससे पूरा बजट चरमरा गया। अब 2 साल पहले अगर तेंदुलकर लाइन 32 रुपए की थी तो क्या 2 साल में केवल 1 रुपया की महंगाई हुई? कौन मानेगा? तो कोई मानने को तैयार नहीं है। गणित में बड़ी बुरी भूल भी हुई। और भी एक मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपने रंगराजन पैनल इसीलिए नियुक्त किया ना, उच्चतम न्यायालय में सरकार ने हलफनामा दिया जब 32 रुपए को लेकर विवाद उठा कि भाई ये हम नहीं मानते, और ये एक पहली सी पद्धति रही है तेंदुलकर वाली, लेकिन हम नए सिरे से बनाना चाहते गरीबी की सही आकलन, और इसलिए हम रंगराजन कमेटी ला रहे। तो अब रंगराजन कमेटी अगर 6 महीने के बाद आपको देने वाली है सिफारिश, तो आपको जल्दबाजी क्या है कि प्रकाश जी, बीच में आज ही मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने कहा है, एक मिनट मैं बता दूं, उन्होंने जो कहा है कि अभी जो हमारे पास पैमाना है, मानदंड है, वो काफी बेहतर है, और अगर आप कोई भी पैमाना लें, हालांकि वो तय नहीं है, कोई भी पैमाना लें तो पिछले 9 साल में आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा, ये उनका कहना है। हम अपने अर्थशास्त्री मित्रों से पूछेंगे कि महंगाई को, मुद्रा स्फीति को इस गरीबी के आंकड़े से जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन प्रकाश जी मुझे इस बात का जवाब नहीं मिला। तो क्या आप ये मानते हैं कि अगर ये आंकड़ा सही नहीं है, पैमाना सही नहीं है, तो इस स्तर पर पूरे देश ही नहीं तमाम राज्यों में भी जो गरीबी कम होने की बात कही जा रही है उस पर आप भी सवाल उठाते हैं, उस पर आप भी स्वीकार नहीं करते हैं? जैसे मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी रफ्तार है गरीबी कम होने की इसी पैमाने से। नहीं, आप समझ ले रहे, देखो इस डिबेट को वहां मत ले जाओ कि जहां मूलभूत, अगर आप तरक्की करेगा देश तो तरक्की का एक परिणाम गरीबी कम होने में होता है, लेकिन महंगाई को उसमें जोड़ोगे तो गरीब के जीवन में ज्यादा परिणाम नहीं होता है। और आज तो ये हो गया कि बीपीएल के अंदर होने के कारण जो सहूलतें मिल रही है, आप जब करोड़ों लोगों को उसके बाहर ले जाते हो तो पहला परिणाम ये होता है, और वो दुखी होता है कि मेरे जो बेनिफिट मिल रहे थे वो सारे में उससे छीने जा रहे हैं, और ऐसा कैसा होता है कि 34 रुपए कमाकर मैं अमीर हूँ? यू कैन मेक पीपल रिच ऑन पेपर, शब्द का जब आप इस्तेमाल करते हैं, नहीं अमीर, ये ठीक है कि 34 रुपए से आप लोग एक जिम्मेदार राजनेता हैं, अगर आप 34 रुपए से ऊपर वाले को आप वो गैर गरीब कह सकते हैं, पर वो अमीर नहीं है। अमीरी रेखा नहीं है कि 33 रुपए से ऊपर होने पर आप अमीर हो जाते हैं। अमीर तो आप देखिए कुर्ता फाड़ के रोने लगे, जो 10 लाख कमाता है वो भी कहता है मैं गरीब हूं, और उर्दू वालों से मिले तो कहेंगे आप हमारे गरीब खाने में आ जाइए, तो इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन मैं सर ये जानना चाहता हूं कि आप महंगाई का एक पॉइंट जोड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन तो क्या माना जाए, आप ग्रोथ पॉलिटिक्स की बात करें प्रकाश जी, तो फिर इस ग्रोथ पॉलिटिक्स से जो मौजूदा पैमाना है उसके हिसाब से कहीं भी देश में कहीं भी गरीबी कम नहीं हुई, जिस पॉलिटिक्स को आप भी एंडोर्स करते हैं और कांग्रेस भी एंडोर्स करती है जी? नहीं, ऐसा नहीं है, आप समझ लीजिए। अच्छा, गरीबी दूर होना चाहिए, और तरक्की अगर सही दिशा में करेंगे, जल्दी तेजी से करेंगे, तो गरीबी कम होती है, लेकिन अब उसके कॉन्टेक्स्ट होते हैं। आपने 71 में नारा दिया कि गरीबी हटाओ, अब 42 साल हो गए, उसमें 32 साल कांग्रेस का राज रहा, फिर भी गरीबी क्यों नहीं समाप्त हुई, यह भी एक लाजमी सवाल है। और दूसरा सवाल यह बनता है कि गरीब के जीवन में जो उसके एस्पिरेशंस है, और क्या आपने ग्रोथ के साथ इक्विटी लाई है? कल ही टाइम्स ऑफ इंडिया में आपने देखा होगा जो स्टोरी आई है कि इनइक्विटीज कितनी ग्रो हो रही है, और इसलिए ये आज लोग गरीब को भी एस्पिरेशन है,
और वो सहन करने को ये तैयार नहीं है, वेट करने को तैयार नहीं है कि मेरे नसीब में ऐसा लिखा है, ऐसा कोई मानता नहीं अभी। और उसके लिए मुद्दा क्या है, बड़े डिबेट पर चलो कि गरीबी मिटाने का सही रास्ता क्या एंटाइटलमेंट है या एम्पावरमेंट है, इस डिबेट पर चलेंगे तब जाके एम्पावरमेंट दोनों में कुछ खास अंतर है क्या? दोनों में कोई खास अंतर है? एंटाइटलमेंट और एम्पावरमेंट में क्या अंतर है? कहीं हम शब्दों की बाजीगरी तो नहीं कर रहे? एक में मैं हिंदी में बता दूं, एंटाइटलमेंट से मतलब आप कह रहे हैं कि हमारा अधिकार है, एम्पावरमेंट से आप सशक्तिकरण की तरफ इशारा कर रहे हैं। जी नहीं, इसलिए क्योंकि मछली कैसे पकड़ना ये सिखाना एम्पावरमेंट है, ताकि वो उस तंत्र के सहारे रोज मछली खा सके। अच्छा, और रोज मछली के लिए उसको क्यू में खड़ा करके मछली देने का प्रयास करना ये एंटाइटलमेंट है। तो और इस हिसाब से सही रास्ता जी, आप जो जवाब आप मेरे सीधे सवालों का नहीं दे रहे थे, आप आदरणीय लेकिन फिर भी इस हिसाब से आपकी सरकारों ने भी एम्पावरमेंट सशक्तिकरण मछली कैसे पकड़ा जाए ये नहीं सिखाया गरीबों को, बल्कि उन्होंने भी एंटाइटलमेंट दिया, मंगल सूत्र से लेकर तमाम योजनाएं बांट रहे हैं, ये सब एंटाइटलमेंट है, तीर्थ यात्रा तक करवाना, एक रुपए किलो चावल देना, कहीं आप उलझ तो नहीं रहे? ये दो बातें हैं जी, एक एक रिलीफ मेजर्स है और उसके लिए एंटाइटलमेंट देना एक चीज है, एक मर्यादा तक लेकिन और सीमित काल के लिए, लेकिन उसके बाद लोगों को अपने पैर पर खड़ा करके, क्योंकि हर एक में ऊर्जा है, ठीक है, हर एक में कुशल है, कौशल है, उस कौशल को सही पकड़ के एप्टीट्यूड करके उसको कौशल को आगे बढ़ाने का प्रशिक्षण उसको नहीं स्टाइपेंड के सहित दे, ये रास्ता होता है गरीबी निर्मूलन का। प्रकाश जावड़ेकर साहब, गवर्नमेंट पे डिपेंड, आप मेरे पसंदीदा राजनेताओं में से एक हैं, आप केवल हमें वोट दो हम आपको ये देंगे, आप मेरे पसंदीदा राजनेताओं में से एक हैं, लेकिन आप थोड़ा घुमा गए। मैं फिर आऊंगा, लेकिन तब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी अपनी क्या राय बनी है। मैं आदर करता हूं अपने राजनेताओं का। मुणगेकर साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि जो प्रकाश जी कह रहे हैं, आपके ही नेताओं ने, आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने, जिनको बहुत समझ है कानून की और वगैरह वगैरह की, उन्होंने भी ये हैरानी जताई है कि 5,000 रुपए और 4,000 रुपए में शहरों में अमीर और शहरों में गरीब और गांव में गरीब कैसे रहता है। ठीक है, क्या आपको लगता है कि इस पैमाने में बदलाव की जरूरत है? और अगर इस पैमाने में समस्या है तो ये जो हम श्रेय ले रहे हैं आपकी तरफ से कि भारत देश ने गरीबों की संख्या में कमी कर दी है कोई 13.8 करोड़ की, वो श्रेय फिलहाल नहीं लेना चाहिए? मैं आपसे शुरू में एक बात बताना चाहता हूं कि वो जो एनएसएसओ का सर्वे पर जिस पर ये पॉवर्टी एस्टिमेट की रेखा तय की जाती है वो हमेशा 5 बरस के बाद की जाती है। 9-10 पर जो एनएसएस ने 5 बरस का सर्वे किया था वो ड्राउट ईयर था, नॉर्मल नहीं था, इस वास्ते 11-12 साल उनमें नियुक्त किया जिसका 68 राउंड है। ये तो एक रूटीन एक्सरसाइज प्लानिंग कमीशन में किए है और जो आंकड़े उन्होंने दिए है कि 27 रुपए पर डे फॉर ग्रामीण रूरल और 33 रुपीज फॉर अर्बन, दीज फिगर्स इन व्यू ऑफ द इन्फ्लेशन आर पीपल आर थिंकिंग दे आर क्वेश्चनेबल एंड आई थिंक ये जो शंका उपस्थित की है दिस क्वेश्चन इज लेजिटिमेट। बट द क्वेश्चन ये है, आपने जो सही करा रविश कुमार जी कि इतना बोलने के बावजूद भी प्रकाश जी हमारे दोस्त है उन्होंने एक सवाल का जवाब नहीं दिया कि 2004-05 और 2011-12 में पॉवर्टी रेखा के नीचे जो लोग हैं उनकी संख्या कम हुई नहीं हुई? बीजेपी के राज्य में जो छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उसमें भी उनको कहना है कि गरीबी बढ़ गई। अभी जो चुनाव हो गए दिसंबर में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, वह एक मिनट, वो क्या बताएंगे अभी कि पॉवर्टी बढ़ गई है?